जय हिंद दोस्तों, साना ठाकुर। दोस्तों आप लोग चाहते हो कि जहाँ पे आप रहो आपका राज रहे, मोनोपोली क्या दादागिरी, कंपटीशन फिनिश, कैसा रहेगा जानना है क्या सीक्रेट? कोई आवाज़ ही नहीं कर सकता, मतलब पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी, ऐसा भौकाल कर दोगे अपने एरिया में। तो ये पॉइंट दोस्तों जो बता रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो देखो, नोट कर लेना, आपका कोई नज़दीक भी नहीं आ सकता, ठीक है। पहला चीज़ है क्या करने का, अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट जो बाकी लोग कर रहे हैं उनसे अलग क्या है वो चीज़ को हाईलाइट करो। स्पेशलिटी, अपनी एक्सपर्टाइज, नीश, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में है तो मेरे कोर्सेज जाओ, sanathakur.com। अभी आजकल अपन कोच बन गए, कोच रियल, अभी कोच सना ठाकुर हो गया ना, वहाँ पे जाओ। बट मैं पॉइंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट क्या है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लो। जो भीड़ जा रही है, भीड़ से हट के जाने का, अभी 50 लोग हैं, अपन बीच में एक टोपी लगा देने का, तो वो टोपी वाला अलग हो गए ना थोड़ा सा, ऐसा लोगों को दिख के आना चाहिए। मैंने नाम कैसे रखा देखो, सौ प्रॉपर्टी ये वो, मैंने कारगिल रख दिया, लगी देशभक्ति, टाटा कैसे करता ताज, चार मीनार, कुछ ना कुछ ऐसा जो कैची हो, थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। सेकंड, ब्रांडिंग करने का, जो भी आपकी USPs हैं उसको यू नो लोगों को दिखाओ क्या क्या आपके अंदर है। तो वो ब्रांडिंग बहुत जरूरी है हर एक चीज़ में। यूनिकनेस आपका क्या है, जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन है कि एक सोसाइटी पे फोकस करके मैं वहाँ पे मतलब 80% काम करता हूँ, तो मेरे जो बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली फॉर दिस सोसाइटी। वो पंच आता है सामने वाला बोलेगा खाली एक्सपर्ट है एक ही चीज़ को लेके, लिख के मतलब ये डेयरिंग कौन करेगा, नहीं तो सब कर रहे हैं तो किसी में एक्सपर्ट नहीं है ना। जैसे MBBS डॉक्टर है सब कर रहा है, लेकिन स्पेशलाइजेशन हार्ट स्पेशलिस्ट, यू नो पैटिशियन, बच्चों का स्पेशलिस्ट, तो फिर बच्चे को रहा तो कहाँ जाते हैं अपन, बच्चों के पास जाते हैं, कान में है तो ENT के पास जाते हैं, स्पेशलाइज है अपन इस चीज़ में। ऐसी आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। अब ये माहौल कर रहे हैं अपन, कंपटीशन देखना आगे धीरे धीरे करेगा। उसके बाद क्या है, आप लोग पुराने तरीके से आज भी करते हैं रियल एस्टेट, मैंने देखा है। टेक्नोलॉजी को लिवरेज कौन करेगा, कितना टेक्नोलॉजी को लिवरेज करोगे आप देखना छा जाओगे एकदम से। हर एक चीज़ में सोचने का इसको, और जैसे मैं नॉर्मल पहले ऐसे करता था कुछ एक्सेल शीट से काम करेंगे, सारे ऑफिस में शेयर कर देंगे, देखा व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन डाल दो, सबको मैं ट्रैक कर रहा हूँ बैठे बैठे, समझ रहे हो। और कितनी तो भी चीज़ें नई नई आती रहती है, वर्चुअल टूर अभी लेटेस्ट चल रहा है कि जरूरी नहीं कि जाके देखो, वीडियोज़ बनाओ क्वालिटी के भेज दो, वर्चुअल टूर और CRM यूज़ करो, वो भी एक अच्छा तरीका है। और क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, पुराने तरीके से ही नहीं कि बस पैकेज खरीद लिया इसका और काम चालू है, लीड आ रही है, थोड़ा लोगों से एडवांस टेक्नोलॉजी। स्पेशली मैं क्या करता हूँ, बाहर का चेक करते रहता हूँ, अमेरिका में क्या हो रहा है, वो जो वहाँ होता है वहाँ 6 महीने बाद 1 साल बाद इंडिया में होता है, अभी से ही अपन उसके लिए तैयार रहने का। दुनिया की जहाँ सोच खत्म होती है वहाँ से अपनी चालू होनी चाहिए, हेलो, ठीक है। कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ बहुत धाकड़ आदमी चाहिए, ये नहीं कि सर्वाइव कैसे डील हो, डील वील चल रही है, लेकिन अपना झंडा ऊंचा ऐसा करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, स्ट्रांग ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना है अपना। आजकल ज़्यादातर 80% लोग ऑनलाइन से आपको देख रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट है, सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, ये बहुत फेमस है अभी, हर कोई जानता है, इंस्टा है, जो भी है, लिंक्डइन है, इन सब पे आपका प्रेजेंस बढ़ाओ, बहुत काम आएगा। मेरा मैक्सिमम अभी के डेट में ऐसा है कि कॉल आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं मेरे को पता नहीं, अभी वो पुराने तरीके से नहीं है, मेरे को आ जाते हैं कॉल कि सर आपके पास प्रॉपर्टी, और इतने जेन्यून आते हैं पूछो मत। तो थोड़ा सा फैला के रखा, रिव्यू पेज आपका जाके देखो मेरा है क्या नहीं, उस पर अच्छे रिव्यू चाहिए, लोगों की आदत है रिव्यू देख के कोई चीज़ लेते हैं, अमेज़ॉन पे क्या करते हैं अपन, बहुत फ़ायदा देगा। आपका कॉम्पिटिटर बहुत मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वो तो सारे कर रहे हैं, कौन है जो मेहनत नहीं कर रहा है, बट आप हटके क्या हो, आपने इन चीज़ों का फ़ायदा लिया है। आप स्मार्ट रियल्टर हो, ठीक है ना, 2024 के, बढ़िया है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, कस्टमर सर्विस को जितना बेटर करोगे उतना अच्छा है।
मेरा शुरू में जब टेक्नोलॉजी नहीं भी था, मतलब जब इतना, तब मैं क्या करता था, एक चीज़ जानता था कि मेरे को सर्विस मेरी बेस्ट करनी है बस। कंपटीशन को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, जो आदमी एक बार अपना टेस्ट कर लेगा, बस बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आदमी कहीं छोड़ के नहीं जाएगा कि यार ये बंदा क्या सर्विस देता है। पर्सनलाइज एकदम उसके हिसाब से, उसको कितना बेटर फील कराते हैं, कितना कंफर्ट में रखते हैं, बिल्कुल हैसल फ्री सर्विस, एकदम स्मूथ पेपर वर्क। ऐसा करो कि वो याद रखे, यार ब्रोकर रह के भी बंदे ने क्या काम किया। कोई भी आया, भाई पानी एकदम चकाचक बिस्लरी का उठा के देता हूँ, और है ना थोड़ा सा उसमें ध्यान दो, क्योंकि यही मायने रखता है यार। बाकी सब आप इतना खर्चा पानी कर रहे हो लेकिन सर्विस में आप कम गिर रहे हो तो फ़ायदा नहीं है। मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, ताम झाम बहुत करेंगे बट सर्विस के टाइम पे वो करेंगे, वो समझ में आ जाता है, कस्टमर एड़ा नहीं है, वो सब समझते हैं, तो फिर नहीं चलता उनका लॉन्ग टर्म में। मैंने कितने तो भी देखे कि नॉलेज था ये था पर सर्विस देने की इच्छा नहीं थी, अपने अंदर है कि जी से एकदम जी जान से काम करते हैं उसके लिए, तो वो बहुत इसीलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या, कंटिन्यूस लर्निंग, कंपटीशन में बना रहना, बोलते ना टॉप पे जाना आसान है पर वहाँ पे बना रहना बड़ा मुश्किल है। एक बार एकदम टॉप परफॉर्मर ऑफ द ईयर हो गया या ये साल मैंने किया, पर लगातार 10 साल करना, ये एक ही तरीका कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीखूँ, कीप लर्निंग, हर दिन बढ़ना पड़ेगा। अगेन उसके लिए मैंने बोला है कि भाई जाओ ronaldthakur.com पे, आजकल मेरे कोर्सेस आ रहे हैं, मैं 80% इसी पे ध्यान दे रहा हूँ, कोचिंग पे, जो कर लेगा माला माल हो जाएगा। ये अगर मैं फ्री में ऐसा इतना सब बता सकता हूँ, अगर 200-500 दे रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। अब जाओ और 40% ऑफर चालू है, बस ले लो कोर्स, ठीक है। तो कंटिन्यूस लर्निंग है, उसके बाद नेटवर्किंग करना चाहिए, इफेक्टिव नेटवर्किंग, सबसे मिलना जुलना, उठना बैठना, उसके कांटेक्ट बहुत भारी रहेंगे देखना। अब मेरे को काम करना है, एक बुकिंग के लिए जाना है, वो जो एग्जीक्यूटिव है, जो उनका छोटा लेवल का आदमी है बिल्डर के, उससे नहीं बात करता एकदम, कौन चेयरमैन फाउंडर डायरेक्टर, मेरे हर एक बिल्डर के ऐसे पर्सनल नंबर है, मतलब जहाँ पे काम करना है। अभी मैं कम कर रहा हूँ लेकिन काम जिसके साथ करता हूँ एकदम टॉप लेवल पे, मेरे साथ कस्टमर का तो वो भी आदर जाता है, और भाई का देखो रुतबा देखो, सीधा केबिन बिबिन में घुस के हेलो हाय, ओ यार एकदम वो आदमी के साथ है तो इससे अच्छा कौन, बाकी ब्रोकर है खड़े लाइन में, वैसा नहीं है। तो वो नेटवर्किंग करके रखो, चलो डायरेक्ट ओनर नहीं, हर बार वैसे नहीं रहेंगे, गोदरेज लोडा कहाँ मिलेगा आपको, तो भाई जो भी उनके हेड हैं उन लोगों के साथ अच्छे रेपो बना के रखो, बहुत काम आएंगे आपको। पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना, आजकल इन्फॉर्मेशन का जमाना है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला, ये रेट निकलने वाले, इतनी इन्वेंट्री है, वो आपको देना चाहिए। उसके लिए क्या है, रिलेशनशिप बना के रखने का, मेरा एक ही चीज़ है, रिलेशन बनाने का धंधा है, मैं बोलता हूँ फ्रेंडशिप बनाने का, ज़्यादा फ्रेंड बनाए मैंने बस, और पैसा अपने आप आ जाता है, चाहे वो क्लाइंट है फ्रेंड बनाया, चाहे वो ओनर है बनाया, चाहे बिल्डर है बनाया, सबके साथ दोस्ती किया, बाकी ब्रोकर से दोस्ती किया, दोस्ती करते करते अपन पैसे वाले बन रहे, तो करो ना दोस्ती, वही नेटवर्किंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट में अच्छा खासा पैसा डालना पड़ेगा। जिस दिन आपने एडवर्टाइज बंद कर दी अपनी, उस दिन धंधा डाउन हो जाएगा। फिलिप्स बहुत बड़ा एग्जांपल है, पहले एक ब्रांड हुआ करता था, खाली नाम ही हम उसका जैसे, मतलब मेरे को कोई समझता ही नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक बोले तो फिलिप्स, आज कहाँ पे है कोई जानता ही नहीं है। तो ये होता है ऐड करना कंटिन्यूस, और ऐड में भी क्या है, कुछ चेंजेस ला रहे हो या पहले जैसे, उनका कॉन्टेंट वगैरह कैसा है, थोड़ा सा बेटर बना रहे हो क्या, फोटो कोई भी निकाल के दे रहे हो या क्वालिटी एक अच्छे से मतलब करके दे रहे हो, तो ये फ़र्क गिरेगा। तो ऐड पे थोड़ा सा खर्चा करो। उसके बाद क्या है, स्ट्रीमलाइन जो है ऑपरेशन, मतलब आपका ऑफिस जो भी आप धंधा करते हो आपके ऊपर ही नहीं डिपेंड होना चाहिए, एक पूरा सिस्टम बना के आपने रखा हुआ है, सिस्टम से काम चालू है। आप कहीं भी हो, मैं बाहर जा रहा हूँ अमेरिका में, मैं वहाँ से सब सीसी कैमरे लगे हैं, देख रहा हूँ सबको, सबका टास्क है, सबका फीडबैक आ रहा है, सब वो जो है कि प्रॉपर कैसे कम्युनिकेशन रहेगा, कोई प्रॉपर्टी आई पूरी टीम को कैसे मालूम है, गोल क्या है, सब ऐसा, वो एक सिस्टम बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है लोग इंडिविजुअली तो कर लेते हैं अच्छा, बट एक जब ऑफिस की बात आती है या पूरे 10 लोगों के साथ काम करना रहता है तो नहीं कर पाते, तो ज़िंदगी भर उतने में ही अटक के रह जाते हैं, हैंड टू माउथ बस, क्योंकि अकेले के दम पे क्या ही करोगे, 2 हाथ 1 दिमाग से तो अरबपति नहीं बनोगे, जितने ज़्यादा दिमाग हाथ होंगे आप आगे जाओगे, तो उसके लिए लोग तो चाहिए, तो वो सिस्टम कैसे उनको करे। हाँ मैं पुलिस बन के बैठा रहूँ, कौन कहाँ है वो नहीं, सब सिस्टम से काम हो रहा है ऑटोमेटिक, तो वो बहुत भारी बिजनेस है, उसको बोलते हैं स्टेबल बिजनेस।
अगर आप खुद कर रहे हो रहा है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप नहीं हो, आपके जाने के बाद भी बिजनेस रन कर रहा है, देन यू आर बिजनेसमैन, बिकॉज सिस्टम इज रनिंग योर बिजनेस। ठीक है, फर्क है इसमें। उसके बाद क्या है, दसवां, कॉम्पिटिशन को एकदम एंड करना है तो ऑफर एडिशनल कुछ इंसेंटिव्स, कुछ फ़ायदे, कुछ सर्विस, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, ये यहाँ पे तो सामने वाले की कमर तोड़ देंगे। कैशबैक ऑफर, हेलो, देख के मौका देख के, मतलब चलो आपके पास क्या स्पेशल है, हम गाड़ी भेज देंगे, आपके पास क्या स्पेशल है, ये रजिस्ट्रेशन का हम ये दे देंगे, रहता 2-4 हज़ार का है पर बोलने में कितना बड़ा बड़ा दिखता है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो मस्त थोड़ा सा बना के रखो। बाकी ब्रोकर को समझ में नहीं आया यार ये कैसे कांड कर रहा है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अब उसमें आप जो भी फील्ड में काम करो, आपको मालूम है कहाँ कहाँ ऐसा थोड़ा सा उससे हटके अपन दे के पूरा गेम कर सकते हैं। तो ये फाइनल पॉइंट तो एकदम फाइनल नेल इन कॉफिन, कॉम्पिटिटर को पता ही नहीं है। मैं धंधे में आया था, सीमेंट का बिजनेस एक बार किया था, चलो हमने डाला और चलने लगा, सामने वाला पुराना एस्टेब्लिश आदमी था, उसने क्या किया, रेट ही एकदम तोड़ डाले, मतलब जो लेने का रेट है ना उसी रेट में बेचने लगा। मैं तो गया, मैं नया आदमी हूँ, मेरे को बिना पैसे के काम कैसे चलेगा, प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, मैं टिका नहीं, 2-3 महीने मेरा दुकान बंद पड़ गया। उसके बाद उसने फिर से बढ़ा के काम चालू किया, कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर डाला ना उसने। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप फ्री में काम करना चालू करो, लेकिन जो भी है, अगर इस, क्योंकि कोई भी है सबको फ़ायदा चाहिए। आप क्लाइंट की लगे जा के देखोगे ना, आपके पास 2 चॉइस है, भाई ये थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा है तो मैं इसके साथ करूँगा, सिंपल। तो क्या ऐसा करो कि आप काम कर जाओ, तो थोड़ा दिमाग ऐसा लगाया ना तो बहुत भारी करोगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा ना तो कमेंट करना कि अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगता है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप रियल एस्टेट में और सनत ठाकुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर अभी क्या बोलेंगे आपको। ठीक है, सब्सक्राइब तो बनता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।